हेलो एवरीवन हैप्पी दिवाली टू ऑल आपके लिए ये दिवाली बहुत ही मंगलमय हो आपके परिवार के लिए आपके मित्रजनों के लिए सभी के लिए दिवाली बहुत ही खास हो और आपकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हों इसी मंगल कामना से जैसे लाखों करोड़ों दीपक अपने प्रकाश से इस अकाली अमावस रात को भी जगमग कर देते हैं प्रकाशवान कर देते हैं ऐसे ही आप अपने मन के एक दीपक से अपने आसपास के वातावरण को बहुत ही प्रकाशित कर सकते हैं और खुशी कहीं बाहर नहीं होती खुशी हमारे अंदर होती है और उसी खुशी को पहचानने से अपने मन का दीपक प्रकाशित कर सकते हैं इसी संदर्भ में आज आपके लिए एक प्रैक्टिकल वर्क लेके आई हूँ छोटा सा प्रयास है कि हो सकता है कि मेरे इस प्रयास से किसी मायूस चेहरे पे खुशी आ जाए किसी के जीवन में खुशहाली आ जाए जो आप अपनी खुशी को महसूस नहीं कर रहे वो भी आप महसूस कर पाए मैं बिंदु चौधरी फ्रॉम पॉइंट एजुकेटर चैनल आपके लिए एक प्रैक्टिकल वर्क लेके आई हूँ क्योंकि बातें हैं वो कहने से इतना प्रभाव नहीं करती जितना हम उसको करके देखते हैं तो आओ कुछ करें सबसे पहले सिर्फ पांच या दस मिनट के लिए अपने आप को एक रूम में एकांत जगह में जाइए वहां जाके एक पेंसिल एक नोटबुक सिर्फ दो चीजें चाहिए आपको लेकर जाइए साथ में बैठिए और उस एक पेज पर बीच में एक लाइन लगा लीजिए एक साइड क्या पाया और एक साइड क्या नहीं पाया ठीक है जो आपने पाया है जन्म से अब तक जो आपके जीवन में सुख और दुख का कारण होता है वो चाहे आपके रिश्ते हैं आपका परिवार है आपका नौकरी है व्यवसाय है कुछ भी है जो भी आपको खुशी और गम देता है दोनों लिखिए एक साइड जो पाया है उसमें आप खुशी के पॉइंट लिखिए नहीं पाया उसमें आपके टेंशन आपकी दुख परेशानी लिखिए फिर आप उस पर दोनों का कंपैरिजन कीजिए और आप यकीन मानिए कि आपको जो पाया है वो पॉइंट है आपके इतने ज्यादा होंगे कि जो नहीं पाया उसके आगे बिल्कुल ही ये लगेगा कि आप तो बेकार में ही इतने परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये परसेंटेज फिफ्टी फिफ्टी भी नहीं आएगी फिफ्टी परसेंट अगर आती है तो सोचते हैं कि चलो भाई बराबर है लेकिन ये फिफ्टी भी नहीं आएगी आप करके देखिए और आप अगर ये करेंगे तब आप सोचिए कि क्या पाया है उसका हम सही यूज कर रहे हैं सदुपयोग हो रहा है उसका या नहीं पाया उसके पीछे भागे जा रहे हैं टेंशन लिए जा रहे हैं हमें ये चाहिए ये चाहिए क्यों चाहिए जो मिला है उसका यूज करो उससे खुशी मिलेगी खुशी मिलेगी उसी से आप क्या करेंगे नहीं पाया उसके लिए हिम्मत करेंगे कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती लेकिन सबसे पहले अपने आप को खुश कीजिए अपने को पहचाननी कि हम कहाँ हैं क्या हम गलत हैं, सही हैं? गलत कहाँ हैं अगर हमें जो मिला है उसका यूज नहीं कर रहे अच्छे से उससे खुशी नहीं ले रहे तो हम गलत हैं और अगर हम नहीं पाया है उसके पीछे भागे जा रहे हैं ये भी गलत है ठीक है तो आज सबसे पहले बस एक ही काम कीजिए अपनी खुशी को पहचानिए अपने मन को पहचानिए अपने आप को पहचानिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और अगर आपने ये पहचान कर ली तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आप कभी भी परेशान नहीं होंगे और ये दीपक आपका हमेशा जलता रहेगा अगली दिवाली तक तो जलता ही रहेगा अगली दिवाली फिर एक बार कर लीजिए ठीक है तो एक साल के लिए तो कम से कम अपना दीपक ऐसा प्रकाशित कर लो कि हमारे चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो हमारे अंदर खुशियां होती हैं बाहर नहीं होती अगर हम अंदर से खुश हैं तो सब खुश नजर आएंगे दुनिया हमें अपने ही नजर से दिखाई देगी कि सभी खुश हैं सभी अच्छे हैं और अगर हम दुखी हैं तो सब दुखी नजर आते हैं इसलिए आज इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को पहचानिए दूसरों के कहने से अपने आप को मत छिपाइए अच्छा करते रहिए अच्छा सोचते रहिए और पढ़ते रहिए क्योंकि हमारा काम है पढ़ना ठीक है और आज इंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ अपनी खुशियों को पहचानो इसी के साथ मंगल कामना के साथ हैप्पी दिवाली थैंक्स फॉर वॉचिंग